शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। आज मैं हरियाणा जिस तरीके से कानून व्यवस्था हरियाणा में दिन प्रतिदिन एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, अपराधी खुलेआम जघन्य से जघन्य अपराधों को बेखौफ अंजाम देते हैं, और जैसे अभी मलिक साहब ने बताया, केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में नागरिक सुरक्षा के मामले में 100 में से मात्र 33 अंक के साथ अंतिम पायदान पे है। अपराधियों के लिए हरियाणा सबसे सुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है, यह बहुत चिंता की बात है। हाल ही में हरियाणा के लोहारू भिवानी में 2 अल्पसंख्यक मुस्लिम युवकों को गाड़ी के बेल्ट में से बांधकर जिंदा जलाकर मारने की घटना हमारे सामने आई है। ये घटना ना केवल मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि हरियाणा की पूरी दुनिया में जो छवि है उसको भी खराब करने का काम करती है। जो भी जो आरोपित इसमें बताए जा रहे हैं वो अपने आप को गौरक्षक तथा कथित या अन्य उनसे संबंधित बताए जाते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है आपराधिक किस्म का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और प्रतीत ऐसा होता है कि राज्य की सरकार जो है उनका कहीं ना कहीं संरक्षण करती है, उनका बचाव करती है। भिवानी में घटित घटना जघन्य है, और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसे ताउड़ू में एक और युवक की जान चली गई थी, हमारे यहाँ नूह में रवा शेखपुर रावली आदि गांव में भी इस तरह की घटनाएं हुई, कुछ में मुकदमे दर्ज हैं, कुछ में अभी तक मुकदमों की दरखास्त जो लगी पड़ी उसमें नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को आज हरियाणा में असुरक्षित महसूस कर रहा है, और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था जिसकी जिम्मेवारी कानून में विश्वास कायम रहे और कानून जो है प्रदेश का वो सबसे सर्वोप्रिय हो, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में अन्य जगह भी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटनाएं जो है अब कुछ सालों में ज्यादा बढ़ती आ रही हैं, और जिसकी ऊपर कार्रवाई जो है वो संतोषजनक नहीं है। इस ताजा घटनाक्रम से प्रदेश सरकार अपना दामन छुड़ाने की प्रयास में है, पुलिस प्रशासन पर भी इसमें गंभीर आरोप और उनकी जो कार्यशैली है उस पर भी बहुत बड़े जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, और उस पर आरोप जो है संगीन आरोप है। सर, हरियाणा अपने भाईचारे और सद्भाव के लिए हमेशा जाना जाएगा, लेकिन आज हरियाणा की धरती पर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, और माहौल बद से बदतर हो रहा है, और सरकार अपने जो उसकी कार्य होना चाहिए, जो उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, जो उसकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसमें लगता है कि कहीं वो विफल हो रही है और कहीं उसका ध्यान जो है उसका भी नहीं है। सर, 2015 में हरियाणा में संघ आयोग नोटिफिकेशन और 2015 में भंग। सर, बहुत दिनों बाद एससी कमीशन तो बना दिया गया, मैं मांग करता हूं सरकार से कि माइनॉरिटीज कमीशन अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए, जो जिसको भंग किया गया। अल्पसंख्यक आयोग के गठन होने से जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, और जो उनके विकास के लिए परियोजनाएं हैं उस पर काम हो सके। सर, मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि इस घटना की जो भिवानी में हुई है उसके उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और जो इसमें प्रशासन के और पुलिस के जो भी अधिकारी जो इसमें जिनकी लापरवाही और जिनकी वजह से इन 2 युवकों की जान गई है, जिसको बचाया जा सकता था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसके साथ साथ सर, मैं अपने इलाके के कुछ मांगे हैं उनके बारे में, 8 साल से ज्यादा जो परियोजना हमारी शुरू कर रही थी, चाहे यूनानी मेडिकल कॉलेज हो आकेड़ा में, चाहे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल छपेड़ा में हो,
चाहे NH-248 हो, नूह से अलवर भाई पे, सर सब पे काम। सर मेरा आखिरी में सर एक शेर से मैं खत्म करूंगा, एक मिनट शेर बोल दो। जो पासबां फूलों का वफादार नहीं, गुलशन की हिफाजत का हकदार नहीं। शुक्रिया।